हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः करपक का द्वितीय पद का वीडियो लेकर आया हूं। आप सब लोग जैसा कि जानते हैं, मैंने पहला वीडियो डाल दिया था। आशा करता हूं आप लोग पढ़े होंगे, अच्छा लगा होगा। दूसरे पद में हम लोग को पढ़ना है, हम लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो पद है, ये पद्मावत जो कि मल्लिक मोहम्मद जायसी का सर्वश्रेष्ठ कृति थी, सर्वश्रेष्ठ रचना थी, उसका ही यह एक भाग है। इस पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा कि करपक किस रचना से ली गई है, तो आप सीधे तौर पे जो है उसका जवाब पद्मावत मार दीजिएगा, पद्मावत आंसर होगा उसका। दूसरे वीडियो में कवि जो है क्या बता रहा है, पद्मावत की तरफ ही इनका इशारा है। उस रचना के बारे में बता रहे हैं कवि मोहम्मद, क्या बता रहे हैं कि मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। अब इसका मतलब आप समझिएगा, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, मतलब कवि मोहम्मद बता रहे हैं कि इस कविता को, इस पाठ्य को, इस रचना को वे जोड़ जोड़ के सुना रहे हैं। जोड़ जोड़ के सुना रहे हैं मतलब बहुत ही अथक प्रयास से, बहुत ही मेहनत करने के बाद उन्होंने इस कविता की रचना की है। जोड़ी मतलब हो गया कि भाई उन्होंने बहुत ही मेहनत किया है, बहुत ही जो है प्रयास किया है, तब जाके वह इस कविता को सुना पा रहे हैं और आपको बता पा रहे हैं। बहुत ही मेहनत किया है उन्होंने, तो मतलब यहाँ पे आया कि मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, मोहम्मद कवि मोहम्मद मल्लिक मोहम्मद जायसी इस कविता को जोड़ जोड़ के मतलब लिख रहे हैं, गा रहे हैं, सुना रहे हैं। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, और सुना जो, जो मतलब जिसने भी इस कविता को सुना, इस रचना को सुना, इस पद्मावत की रचना को सुना, इसको पढ़ा, प्रेम पीर गा पावा। प्रेम का मतलब यहाँ पे प्रेम, प्रेम का मतलब प्रेम, और पीर का मतलब होता है पीरा, दुख तकलीफ कि नहीं। तो सुना जो प्रेम पीर प्रेम पीर गा पावा, और जिसने भी सुना उसने जो है प्रेम की पीरा को महसूस किया, जिसने भी सुना इस कविता को, प्रेम में पीरा क्या होती है उसको महसूस किया। अब बोलेंगे प्रेम की पीरा क्या है, तो पद्मावत के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, इसमें रतन सेन एक राजा थे और चित्तौर जो है राज्य के नरेश थे रतन सेन, और फिर आप जानते हैं कि उसमें एक पद्मावती रानी थी। वह रानी कहाँ की थी, तो सिंहल द्वीप की जो है राजकुमारी थी, पद्मावती सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। और इन दोनों में जो प्रेम था, और इसमें तीसरा जो है त्रिकोण पूरा हुआ। त्रिकोण किसके आने से पूरा हुआ सर, तो अलाउद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में सुने होंगे आप, अलाउद्दीन खिलजी, आपने मूवी देखा होगा, सिनेमा जो है ये आया हुआ था, तो आपने देखा होगा कि भाई उसमें रतन सेन एक राजा हुआ करते थे, फिर जो है क्या हुआ कि उसमें जो है सिंहलदीप की राजकुमारी जो है पद्मावती हुआ करती थी, इन दोनों में बहुत ही प्रेम था। और जब अलाउद्दीन खिलजी की नज़र जो है पद्मावती रानी पे पड़ी, तो उन्होंने जो है उससे जीतने का प्रयास किया, उसको अपने वश में करने का प्रयास किया। तो जौहर हुआ था, जौहर मतलब आग में कूद कर जो है, मतलब पद्मावती अपने जो है और भी जो है सखियों के साथ, अपने सहेलियों के साथ, अपने जो है मतलब लोगों के साथ जो है जौहर की थी, जौहर मतलब जो है आग में कूद गई थी। तो प्रेम में जो पीड़ा हुआ, जो तकलीफ हुई, मैंने इस रचना को जोड़ जोड़ के जो है मैं गा रहा हूँ, जोड़ जोड़ के मैं सुना रहा हूँ, और जिसने भी मेरी इस रचना को सुना उसे प्रेम की पीड़ा महसूस हुई, प्रेम की पीड़ा को वह समझ पाया। तो ये प्रथम जो है पंक्ति में कवि मोहम्मद जो है मल्लिक मोहम्मद जैसी बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं फिर से मैं बता रहा हूँ, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, मतलब मल्लिक मोहम्मद जायसी ने इस रचना को, इस पाठ को जोड़ जोड़ कर बहुत ही मेहनत करके जो है इसको लिखा है। और ये मेहनत कितना किया ये आगे पंक्तियों में भी पता चलेगा, पढ़ेंगे कि बहुत ही मेहनत करके जोड़ जोड़ कर जो है इसको सुना रहे हैं, सुना रहे मतलब गा रहे हैं, इस रचना को एक मुकाम तक पहुंचा पा रहे हैं। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, और जिसने भी इस कविता का पाठ किया, इस कविता को सुना, वह प्रेम की पीड़ा को महसूस किया, प्रेम की पीड़ा को समझने में सक्षम हो पाया। जोड़ी लाई रकत के दे गाढ़ी प्रीति नयन जल भे। अब इस लाइन को समझिए,
जोड़ी, क्या तकलीफें हुई, क्या मुसीबत हुआ, कितना मेहनत करना पड़ा इनको लिखने में, तो बोलते हैं जोड़ी लाई रकत के लिए। रकत का मतलब हो गया खून, और लई का मतलब आप जानते हैं, लई का मतलब होता है स्याही, लई मतलब क्या होता है स्याही। तो जोड़ी लाई रकत के लिए, मतलब इस रचना को उन्होंने खून की स्याही से मतलब रच रच के लिखा, रच रच के लिखा मतलब इस रचना को रकत के लिए, ये जो शब्द है इसमें ध्यान दीजिए आप, रकत के लिए का मतलब भाई इससे लिखने में उनको मतलब बहुत ही मेहनत करना पड़ा। जोड़ी लाई रकत के लिए मतलब इस पाठ को, पद्मावत कविता को रचने में, लिखने में, उसको एक बढ़िया रूप देने में उन्होंने खून के स्याही का इस्तेमाल किया। खून के स्याही का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा की। नहीं होता है कि भाई मतलब खून जड़ गया मेरा इस काम को करने में, तो खून जड़ने का मतलब बहुत ही मेहनत करना पड़ा। तो जोड़ी लाई रकत के लिए, इस रचना को लिखने में मैंने लकत के रकत के ले का मतलब खून के स्याही का इस्तेमाल किया। गाढ़ी प्रीति नैन जल गई, यही नहीं मैंने इसे गाढ़ी, इस गाढ़ी प्रीति को, गाढ़ी प्रीति मतलब गहरे प्रेम को आंसू जल में भिगो कर लिखा। गाढ़ी प्रीति मतलब क्या, गाढ़ी मतलब गहरी, और प्रीति मतलब क्या, प्रेम, और नैन मतलब आंसू, सॉरी नैन मतलब नैन आंख, और जल मतलब आंसू, मतलब मैंने इस गाढ़ी प्रेम को मतलब इस गहरे प्रेम वाली कविता को आंसू वाले जल में भिगो कर लिखा, आंसू वाले जल में भिगो कर लिखा। ये जो दूसरा पंक्ति है ये बता रहा है कि भाई पद्मावत रचना में उन्होंने कितना मेहनत किया था, कितना ज़्यादा जो है प्रयास किया था। अच्छा, प्रयास क्यों किया था, इस रचना को लिखने में उन्होंने इतनी मेहनत क्यों की, इस कविता को लिखने में भाई उन्होंने इतना प्रयास क्यों किया, पद्मावत जैसे काव्य को लिखने में उन्होंने इतनी मेहनत क्यों की, तो आगे उन्होंने लिखा क्या कहा सुनिए। ओ मन जानी कवित अस किन्हा, मको या रहे जगत मह चिन्हा। दिया इन्होंने लिखा कि ओ मन जानी, उस इस बात को मन में जानी, जानी मतलब जानकर कवित अस किन्हा, मैंने इस कविता की रचना की, क्या जानकर मैंने मन में इस कविता की रचना की, तो मको या रहे, मक्कु मतलब भाई मक्कु यह रहे जगत मह चिन्हा, ताकि जो है यह रहे, यह मतलब यह कविता रहे, और इस कविता के रहने से जगत मह चिन्हा, जगत के लोग जो है मुझे चिन्हेंगे, मेरी जो है गुण गाएंगे, मुझे याद करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई आदमी को नहीं याद करता है कोई, याद करता किस चीज़ को है, तो उसके किए गए कार्यों को, उसके किए गए कार्यों को याद करते हैं, तो एक आदमी की जो है पहचान उसके कार्यों से होती है। तो यहाँ पे कवि ने कहा कि ओ मन जानी कवित अस किन्हा, मको या रहे जगत मह चिन्हा, मतलब मैंने मन में यह जानकर इस कविता की रचना की, कवित अस किन्हा, किन्हा मतलब करना, मतलब यहाँ पे रचना करना, मैंने इस बात को अपने मन में बैठा कर इस कविता की रचना की, क्या बैठा कर रचना की, यही कि मको या रहे, ताकि यह कविता रहे, और जब यह कविता रहेगा तो इस कविता के वजह से, मतलब इस विशेष और सुंदर रचना के वजह से जगत मह चिन्हा, जगत के लोग जो है मुझे क्या करेंगे, चिन्हेंगे, चिन्हेंगे मतलब मुझे याद करेंगे। अब देखिए भाई, अब देखिए लोग यहाँ पे कवि को क्यों याद करेंगे, क्योंकि इस कविता में, कहानी में बात किन की है, तो रतन सेन की है, और किन की है, एक सुग्गा की है। सुग्गा कौन था भाई, सुग्गा जो था वह मतलब इतना तेज सुग्गा था कि उसको उप राजा लोग कहते थे। अलाउद्दीन की कहानी है, और सर उसमें जो है राघव की कहानी है, जो कि राघव जो था वह रतन सेन के दरबार में कवि हुआ करता था, और बहुत ही जो है मतलब बुद्धिमान हुआ करता था। पद्मावती, सुरूप पद्मावती, सुरूप, अब इसको समझ लीजिए, सु जब आता है ना किसी भी शब्द के पहले आता है, तो सु का मतलब वहाँ पे सुंदर हो जाता है, जैसे सुकर्म, सुकर्म मतलब सुंदर कर्म, तो यहाँ पे सुरूप मतलब सुंदर रूप वाली पद्मावती की कहानी है। तो यहाँ पे कवि ने कहा कि भाई भले पद्मावती में, पद्मावती या पद्मावत वाली रचना में हमने जिक्र रतन सेन का किया, हमने जिक्र जो है सुग्गा का किया, हमने जिक्र अलाउद्दीन सुल्तान का किया, हमने जिक्र राघव और पद्मावती रानी का किया, लेकिन अब इन लोगों में से कोई है, कोई नहीं है, तो है कौन, रह क्या गया, तो कहानी रह गई। इसी लाइन को आप समझिए आगे क्या लिखते हैं, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, भाई अब वह रतन सेन जैसा
राजा कहाँ है? है क्या रतन सेन जैसा राजा? है वह चित्तौर नगरी का रतन सेन जैसा राजा है क्या? नहीं है। कहाँ सुगा असि बुद्धि उप राजा, कहाँ गया वह सुगा? सुगा मतलब सुगा, असि मतलब के जैसा, बुद्धि उप राजा, बुद्धि उप राजा मतलब वह सुगा जो है कहाँ गया, जिसको लोग जो है उपराजा की संज्ञा दिया करते थे। उपराजा मतलब वह सुग्गा इतना बुद्धिमान था कि उसको लोग उपराजा माना करते थे। उपराजा मतलब राजा के बाद जो है मतलब सुग्गा को महत्ता दी जाती थी। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, आज वह अलाउद्दीन खिलजी जो कि जो है सुल्तान हुआ करता था, आज वह कहाँ गया? उसकी वह भी मर गया, वो भी खत्म हो गया, उसका भी जो है अंत हो गया। कहाँ राघो जेई किन्हा बखानू, आज वह राघो भी कहाँ रह गया जिसकी मैं बखान करूँ? आज तो राघो भी मर गए ना, आज वो भी खत्म हो गए। कह स्वरूप पद्मावती रानी, और वह सुंदर रूप वाली पद्मावती है जिससे जिसका प्रेम जो है किससे हुआ भाई, तो रतन सेन राजा से, और उसके रूप के वजह से ही जो है अलाउद्दीन खिलजी भी जो है मतलब चित्तौर नगरी पे जो है आक्रमण किया और उसको जीतने का प्रयास किया। तो भाई वह सुंदर रूप वाली पद्मावती रानी भी कहाँ चली गई, कहाँ है आज? नहीं है। देखिए सुंदरता जो होती है ना, वह आज है कल नहीं है। सुंदरता के बारे में आप 100 नंबर के इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, एनी पिटा बट ब्यूटी पासेज, ब्यूटी पासेज मतलब सुंदरता जो है क्या होती है, मतलब गुजर जाती है। तो वही बात है यहाँ पे कि कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, भाई वह सुंदर जो है रूप वाली पद्मावती रानी कहाँ है? कोई न रहा, जितने पात्रों का जिक्र हुआ, रतन सेन, सुगा, राघो, अलाउद्दीन, पद्मावती, कोई न रहा, कोई नहीं बचा उनमें से। तो क्या बच गया? जग रही कहानी, इस दुनिया में, संसार में कहानी बच गया। कहानी मतलब सर उनकी कथा बच गया कि नहीं, उनके द्वारा किए गए कार्य रह गए। और सर ये कहानी और उनके द्वारा किए गए कार्य जो है, उस प्रेम की जो है पीड़ा आज लोगों के बीच कैसे जा रही है, तो मैं उसको लिख रहा हूँ, मैं उसकी रचना कर रहा हूँ। तो कवि यहाँ पे कहते हैं, देखिए पूरे कविता का समझिए सार तत्व यहाँ पे है, क्या है? धनी सो पुरुख जस कीर्ति जासू, धनी सो मतलब वही पुरुष, पुरुष मतलब पुरुष, पुरुष मतलब आदमी, आज वही व्यक्ति, वही आदमी, वही पुरुष जो है धनी है, श्रेष्ठ है, प्रशंसा के लायक है, लायक है, गुण जो है गाया जाने लायक है। कौन कौन पुरुष तो गुण गाया जाने लायक है? जग जग कीर्ति जासू, जिसका इस दुनिया में, इस संसार में कीर्ति जो है मतलब बड़े हैं, कीर्ति जो है जानी जाती है। मतलब कुल मिला के इस पंक्ति का मतलब आप समझ लीजिए कि धनी सो पुरुष जग कीर्ति जासू, मतलब इस दुनिया और संसार में वही व्यक्ति धनी है, वही व्यक्ति प्रशंसा के लायक है, जिसके कार्य जो है मतलब दूर दूर तक फैले हो, जिसके महानताएं जो है दूर दूर तक फैले हो, जिसके जिसकी कीर्ति जो है, कीर्ति मतलब जो है सुंदर काम जो है दूर दूर तक फैले हो। फूल मरे पर मरे न बासू, जिस प्रकार फूल जो है झड़कर नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी सुगंध, उसकी जो खुशबू होती है वह नष्ट नहीं होती, फूल नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सर ये हमारा शरीर, अब सुन लीजिए आप लोग, ये हमारा शरीर जो है नष्ट हो जाता है लेकिन हमारे द्वारा किए गए कार्य, नेकी हमारी जो है वह कभी नहीं मरता है। फूल मर जाते हैं सर लेकिन उसकी जो खुशबू है वो नष्ट नहीं होता है, वह पूरे वायुमंडल को, पूरे जो है समझिए कि सृष्टि को सुंदर बनाने का काम करता है, मनमोहक बनाने का काम करता है। आगे क्या लिखा है कीर्ति के बारे में, जस के बारे में, जस और कीर्ति दोनों एक ही चीज़ हो गई कि नहीं? केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ह जस मोल, भाई इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी व्यक्ति जस को नहीं बेच सकता है। जस मतलब क्या? कीर्ति को नहीं बेच सकता है, हमारी महानता को नहीं बेच सकता है। कई न जगत जस बेचा, कई न मतलब कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति ने इस दुनिया और संसार में जस को नहीं बेच पाया।
अपने जस मतलब अपने यश को अपने महान कार्यों को नहीं बेच पाया। कई नलिन जस मोल, और कोई भी व्यक्ति जो है किसी के जस की कीमत नहीं लगा पाया। कई नलिन जस मोल, कोई भी व्यक्ति जस का मोल मोल मतलब कीमत नहीं लगा पाया। जो यह पढ़े कहानी, और जो भी व्यक्ति इस कहानी को पढ़ेगा, इस कहानी को पद्मावत को पढ़ेगा, हम सवरे तुई बोल, तो वह व्यक्ति जरूर जो है दो शब्दों में हमारी प्रशंसा करेगा। यहाँ पे सवरना मतलब प्रशंसा करना, हम सवरे तुई बोल, तुई बोल मतलब दो शब्दों में वह व्यक्ति हमारी क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। तो अब बताओ विद्यार्थियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या रह गया इस धरती पे, हम रह गए एक दिन, आप बताओ। आप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मलिक मोहम्मद जैसिया जिंदा है क्या? नहीं, उनका भी अंत हो गया, वो भी मर गए। बच क्या गया? उनकी कृति। पढ़ क्या रहे हम उनके द्वारा लिखी गई रचना। देखो मैं भी टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, और एक दिन मैं भी मर जाऊँगा, आप भी जाओगे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जाएगा कि नहीं जाएगा? सब चले जाएंगे। बस क्या जाएगा इस धरती पे? बच जाएगा हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा किए गए नेकी, किए गए लोगों का कल्याण। तो वही कवि ने कहा कि धनी सो पुरुष जब कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बसु। भाई वही लोग इस दुनिया और संसार में जो है याद किया जाने लायक है, जिसकी कृति महान है। जिस प्रकार फूल जो है झड़कर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी खुशबू नहीं जाती है। तो विद्यार्थियों, आप प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को देखें, जहाँ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी शब्दों में अगर दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में आए और आप हमसे पूछें, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का। एक वीडियो और मैं इसका डालूँगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का, मैं बोर्ड पे नहीं बना पाऊँगा क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि किताब में ही कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव आएगा तो मैं उसको बता दूँगा, और फिर मैं कोशिश करूँगा कि एक बार अच्छा से बताए। धन्यवाद।